Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. तो आज फ्राइडे है और आज शायद मैं घर भी जाऊँ. शायद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका पता नहीं है, वो अगर देर से आएंगे तो फिर मैं नहीं जाऊँगी, फिर मैं कल जाऊँगी. और अगर वो आ गए तो फिर मैं चली जाऊँगी, अभी पता नहीं है क्योंकि वो देर से आ रहे हैं. तो आज मैंने सोचा कि अगर लास्ट डे तो आज व्लॉग बना लेंगे, कल होगा तो कल ख़त्म कर लेंगे, तो इसी व्लॉग को कंटिन्यू कर देंगे आगे. तो आज सीन है, मैं आप ही बना रही हूँ बिरयानी और आज हफ्स बहुत है, गर्मी बहुत हो रही है, पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी. तो मैं अभी नमाज वगैरह पढ़ के और फ्रेश होकर अब बैठ गई हूँ. अब आप ये लोग नमाज पढ़ेंगे. मैं ना, हमारी एनिवर्सरी है निकाह की संडे को और मैंने अभी तक कुछ लिया नहीं और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या गिफ्ट लूँ. तो शायद मैं मॉल जाऊँ, कुछ देखूँ, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा. अभी तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ बैठी हुई, जब कुछ करूँगी तो व्लॉग बनाऊँगी. ठीक है, यहाँ पर जो है बिरयानी बन चुकी है, आप ही ने मज़े की बिरयानी बनाई है. ये मिक्स करनी पड़ी क्योंकि सही से दम नहीं लग रहा था, वरना ये तह वाली बिरयानी है. और ये रायता तैयार है, सैलड कचुम्बर तैयार है और ये स्टील के प्लेट्स हैं जो मम्मा भी नई लेकर आएंगे, तो अभी हम इसमें ही खाना खा रहे हैं. बहुत अच्छी लगती हैं और कोल्ड ड्रिंक, तो हम अभी खाना खाते हैं. मैं बिरयानी मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर, खुशबू आ रही है बहुत. तो अभी मैं जा रही हूँ, आप ही और मैं जा रहे हैं मॉल. अना अभी हम एक ड्रेस वापस कराने, पहले वो वापस कराएंगे, उसके बाद फिर मैं मुझ के लिए कोई गिफ्ट लूँगी. मैंने सोचा मैं परफ्यूम ले लूँ क्योंकि और तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. लड़कों की इतनी चीज़ें भी नहीं होती मेरे वाली, कपड़े या परफ्यूम जूते होते हैं वो ले चुके हैं, तो मैं परफ्यूम ले लेती हूँ. परफ्यूम नहीं लिया था और हम बाकी देख लेंगे. मैं मास्क सब देखिए आउटलेट भी है. हाँ, और मुझे क्या मास अफ्तर. अरे तो परफ्यूम मास अफ्तर का मैं जेड आउट करूँगी, मुझे परफ्यूम पता नहीं हूँ. तो देखेंगे, अगर मुझे फ्रेग्रेंस मास अफ्तर की अच्छी लगेगी तो मैं वहाँ से ले लूँगी. फिटनेस की फ्रेग्रेंस अच्छी होती है या कोई और. और ना मुझे अपने लिए एक सूट भी लेना है क्योंकि एनिवर्सरी पर, मैं भी तो अपने लिए कुछ ले लूँ. मूवीज तो पता नहीं उनको याद भी है या नहीं है, या वो भूल गए तो भी हम निकल रहे हैं जाने के लिए. फूफो भी आएंगे. आ चुके हैं यहाँ पर स्क्वायर वन मॉल में. तो पहले मैं जा रही हूँ मास अफ्तर की शॉप पे, ये जे डॉट भी है हमारे पास. लेकिन पहले मैं वो, हमने सैंड एंड सीक्रेट इधर से, ये पहले हम यहाँ नहीं जाएंगे, पहले हम वहाँ से चेक इधर का तो हमें पता है ना, वहाँ का नहीं पता, तो हम पहले वो देखेंगे फिर इसके बाद. अगर होता है मेरे पास एक है, एक होने से ये, एक होने से ये नहीं पता चलता कि उनके सारे अच्छे हैं. जे डॉट के हम बोल सकते हैं कि हाँ मोस्ट ऑफ बहुत अच्छे होते हैं मोस्टली. और जे डॉट के मुझे प्राइस भी बिल्कुल सही लगता है क्योंकि ये देखते हैं अंदर जाके. तो मैंने इधर से सेंट एंड सीक्रेट से मैंने लिए है दो इनके परफ्यूम. हारमोनी कह रहे हैं, दीवार से आवाज की कॉप, मतलब उसी की तरीके का है ये. और एक हमने ये लिया है, क्या नाम है इसका, रोज वैली. तो ये दोनों बहुत ही अच्छे परफ्यूम्स हैं, आई रियली लाइक इट. और प्राइजेस भी बहुत अच्छे हैं, मतलब तो आप लोग भी आके विजिट करें, बहुत अच्छी है. फ्रेग्रेंसेज भी सारी अच्छी हैं, है ना. टेस्टर की जो ये स्ट्रिप्स होती है. तो मैं इधर आई हूँ 14 स्ट्रीट का पिज़्ज़ा का. मैंने एक स्लाइस, मतलब एक स्लाइस नहीं, उनकी डील है 1% की, एक स्लाइस होता है तो मैं वो खाऊंगी. और ये इधर कुल्फी खा रही है बैठ के, फालसे की कुल्फी. ये लश क्रश गाइस, ये सिर्फ एक फालसे की कुल्फी है, 340. बहरहाल अब हम ये खाएंगे. और मैंने ये सैंड एंड सीक्रेट का, मुझे अपने लिए तो लेना नहीं था, पता नहीं मुझे अपनी फ्रेग्रेंस से प्यार होने लग गया, मैं बहुत ले लेती हूँ. एक मैंने अपने लिए ले लिया, एक मुझ के लिए ले लिया. चलो मैंने अपनी एनिवर्सरी में अपने आप को भी गिफ्ट दे दिया. ये मैंने अपने आप को गिफ्ट किया है और ये मैं मुझ का गिफ्ट लिया एक. सो दोनों बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी अलग है बाकी फ्रेग्रेंस से, तो ये काफ़ी अच्छे लगे. 14 स्ट्रीट का पिज्ज़ा आ गया है और ये मुझे इतना पसंद है ना, इतने सालों के बाद मैं इसको खा रही हूँ. मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है ये, वाओ सो यम. तो मैं
मैं इसको खाती हूँ, इसको नहीं दूंगी, मेरे बगैर खा लिया था इसमें, मैं इसको वैसे मुझे खाना नहीं था ये, मैंने इसकी वजह से ये मंगाया है। नहीं तो तुम देखोगी, मैं एक निवाला नहीं दूंगी तुम्हें। मैंने इसको कहा था कि जब ये खुला भी नहीं था, मैंने इसको कहा था कि हम दोनों आके खाएंगे, पहले ही खा के बैठ गई गिद्दार औरत। इतनी गरम गरम हीट निकल रही है, ऐसे खाऊंगी गरम गरम, तुम देखोगी। तुम आंटी को देख के आइस लॉली खा रहे, दिल चाह रहा था मुझे देख के पिज्जा खा रहे। देखो खाएंगे गार्लिक बटर और कोक है, मैं ये खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ, ये देखेगी मुझे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दराज का मैंने एक ऑर्डर किया हुआ था, तो ये मुझे अब फाइनली रिसीव हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ऑर्डर क्या किया था। ये देखेंगे एक रैक, मैंने इसको लगा लगा के देख लिया, वरना ये रैक अलग आया था और इसकी शीट्स अलग आई थी, शीट्स भी बिल्कुल पैक थी, मैंने इसको पूरा खोल के देख लिया था, तो इसलिए ये इस तरह है, वरना ये अच्छे से बॉक्स है। मुझे तो लग रहा था ये टूटा फूटा आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत दिन से डिलीवर किया हुआ था सेलर ने, ये दराज वालों की तरफ से ही मुझे रिसीव नहीं हुआ था। तो पहले मैं इसको निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको कि मुझे ये इसमें काफ़ी सारे इसमें कलर्स थे हमारे पास, तो मैंने ये ब्लैक और गोल्डन इसलिए मंगवाया है। ये इस रैक में हमारे पास था एक ब्लैक, सिल्वर और गोल्डन, तीन कलर थे। आप कस्टमाइज उनको बताकर अपनी मर्जी का कलर करवा सकते हैं, क्योंकि मेरा फर्नीचर ब्लैक और गोल्डन है, तो मैंने इसको इसलिए ब्लैक और गोल्डन रखा ताकि मेरी ड्रेसिंग टेबल पर सूट कर। और ये जो है ना, ये थोड़ा सा इस पर चिपका रह गया स्टिकर, मैं अभी इसको निकाल लूँगी। ये पूरा स्टिकर से कवर था दोनों साइड से, ताकि इसमें कोई स्क्रैचेस ना आए, तो ये थोड़ा सा रह गया, मैंने उतार लिया था। इसको हम नीचे लगाएंगे और इस वाले को हम ऊपर लगाएंगे। तो ये इतना प्यारा सा हमारा स्टैंड ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैं अपने परफ्यूम ऑर्गेनाइज जब करूँगी घर जाके, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। इसमें काफ़ी सारे ये डिज़ाइंस भी अलग अलग थे, तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही ऑर्डर किया। ये मुझे मिला है डिलीवरी के साथ 1800 रुपये का, 1800 का मुझे ये डिलीवरी के साथ मिला, विदाउट डिलीवरी के 200 कुछ चार्जेस थे, तो मुझे डिलीवरी चार्जेस के साथ पूरा 1800 का मिला है, जो कि बहुत वर्थ इट है। मतलब अगर मैं 200 माइनस कर दूँ तो ये 1600 का है, 1600 का है, और ये बहुत अच्छा है। ये मेटल का बना हुआ है, इसके आप जितना भी वेट रख देंगे ना, तो ये ना टूटेगा ना नीचे आएगा, क्योंकि ये लोहे का बना हुआ है। सो वर्थ इट, तो आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और चीज़ मैंने ये सैंडल सीक्रेट से ले लिए हैं, इसके लिए परफ्यूम्स, उसके अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आया। एक मैंने अपने आप को गिफ्ट किया है महाराजा, मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये बहुत अच्छी है इसकी फ्रेगरेंस से। ये हारमोनी मैंने अपने लिए लिया था, ठीक है, ये बहुत अच्छी इसकी ना रोज़ और फ्लोरल टाइप की इसकी वो है, पैकेजिंग भी बड़ी अच्छी है। और ये वाला मैंने मुझ के लिए लिया है, इसका नाम, बल्कि ये रोज़ वैल्यूट मैंने अपने लिए लिया है और हारमोनी मैंने मुझ के लिए लिया है। तो ये मेंस है, ये वुमेंस है, और ये बहुत अच्छे परफ्यूम है मुझे अपने लिए, मैंने अपने आप को एनिवर्सरी गिफ्ट किया है और ये मैंने मुझ के लिए लिया। सो देखते हैं मुझे इसको पसंद आएगा या नहीं पसंद। इसके अलावा मुझे, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था मैं क्या गिफ्ट करूँ, सो ये वाला दे दिया। अब नेक्स्ट जो मंथ है ना, नेक्स्ट मंथ में मुझे और मेरी शादी की एनिवर्सरी आएगी, अभी निकाह एनिवर्सरी है, तो स्टे ट्यून और बेस्ट विशेस दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं अपना ही वाला व्लॉग, तो आज के मेरे काम कंप्लीट हो चुके हैं, गिफ्ट लेना और तो कोई काम था भी नहीं। खैर आज मुझे नहीं लेने आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो देर से आएंगे, आज भी तो वो नहीं लेने आ सकते, तो वो कल आएंगे और मुझे एक और दिन मिल गया रहने के लिए, तो मैं कल रात को जाऊँगी। आज की रात और ज़्यादा मिल गई, मतलब मैं सैटरडे को जाऊँगी अब तो, यस। तो फिर हम मिलेंगी कल, मैं इस व्लॉग को दोबारा कंटिन्यू करूँगी द नेक्स्ट मॉर्निंग से, तो कल का डे भी शेयर कर लेंगे हम आपके साथ और कल व्लॉग एंड कर देंगे जब घर जा रहे होंगे। तो मॉर्निंग हो चुकी है और नेक्स्ट मॉर्निंग में है हमारे पास अंडा और पराठा, तो अभी मैं अंडा पराठा खाऊँगी। मैं सर्दी नहीं खाती, तो मेरी सर्दी पकी रहती है, मुझे सर्दी बहुत बुरी लगती है फार्म करना, तो अंडा पराठा खाएँगे और फिर इंजॉय करेंगे। अभी तू 7 बजे तक अंदर रहेगा बेटा, अब तू मनीषा को तन जाएगा, पहले बता पहले बता, बार बार मुझे आके मार जा रहा था।
खुल तो रहा है मैडम तू व्लॉग अपना कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि हम पूरा दिन कुछ हमने कुछ किया नहीं, बस बातें शातें हो रही थी और कुछ किया नहीं। तो अब फाइनली मूवीज भी आ गए थे 8 बजे और अब 10:30। तो अब हम निकल रहे हैं घर जाने के लिए, मैं तैयार हो चुकी हूँ, सामान वामान भी पैक हो गया है, तो अब हम घर जाएंगे और घर जाके फिर मैं व्लॉग भी एंड करूँगी। और मेरा बैग भी तैयार है और उसके अलावा ये बॉक्स भी है। मैंने आपको अपने पैकिंग वाले व्लॉग में बताया था ना कि जब हम जा रहे होते हैं तो खाली होता है बैग, वापस आ रहे होते हैं तो भर जाता है, तो इतना भर गया है कि ये अलग से लेके जाना पड़ेगा। अब आपको घर जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें भर गई। तो अभी निकलते हैं घर जाने के लिए। अल्लाह हाफिज़ गंजन अंजन अगले महीने में, हाँ जून में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं अपना वो वाला व्लॉग, आज मंडे है और मैं अपना वो वाला फ्राइडे वाला व्लॉग क्या बोल रही हूँ, मैं अपना फ्राइडे वाला व्लॉग आज दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि आज है हमारी एनिवर्सरी। तो मैंने बीच में 2 दिन व्लॉगिंग नहीं की, तो उसी को हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज है एनिवर्सरी, तो कुछ भी नहीं किया हमने, पूरा दिन ऐसे ही बोर बैठे रहे। मूवीज़ ने मुझे रात को बुके ला के दिया था, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था कि वो सही रहे, तो वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि वो सही ही है मेरी। तो रात को मूवीज़ ने मुझे वो बुके लिया दिया था और कुछ भी नहीं किया। फिर सुबह मूवीज़ चले गए थे काम पर, अभी थोड़ी देर पहले आए थे, खाना वाना खाया, अब हम बैठे थे तो मैंने इनको ताना मारा कि आपने कुछ किया ही नहीं, हमारी फ़र्स्ट एनिवर्सरी थी, ज़रूरी थोड़ी होता है कि लड़कियाँ ही कुछ ना कुछ करें। तो अभी हम केक लेने जा रहे हैं, उसके बाद केक काटेंगे। जल्दी से बस ये फ्रॉक पहन ली है क्योंकि मैं अभी कपड़े इस्त्री करने की हिम्मत में नहीं थी, तो मैंने बस ये फ्रॉक पहन लिया, नॉर्मल शर्ट पहन ली। अब हम केक कटिंग करेंगे। तो आज इन लोगों की है एनिवर्सरी, इन लोगों का निकाह करवाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा था, इन लोगों का बस कुछ भी नहीं था। मोइज एंड चुमीला मुनीजम आर्मी ये एक नंद बैठी है और ये दूसरी नंद बैठ गई, ये दो नंदे बैठ गई हैं साथ में। बेटा ये वीडियो बन रही है, ब्लॉग बन रहा है। क्यों ले लो सब आएंगे, मैं ब्लॉग वाला हूँ भाई, सॉरी टू से मैं ब्लॉग लूंगा। वो सब गए हैं, सभी यहाँ बैठे हैं, शादी में गए हैं। वो हमने क्या किया है, हमने इन लोगों को भी फोटो ले लिया है आज। अरे इस फरहान पे फोन कर लो ना जरा, और ये तबाही में जा रही है ये लड़की। अल्लाह पप्पा को करना तो पहले नंबर पे पप्पा को। ईद मुबारक लो मुईज पर रहने आप सबको दिल की गहराइयों से जमना। एक कैंडल लगा के दोनों के चेहरे पे, दोनों के चेहरे पे कैंडल से। हमें तो पहले से ही गड़े हुए थे। नहीं नहीं, बेटा ये पूरा कैंसिल कर दूंगा। क्या कैंसिल, दादा बोलेगा तो तू सेव हो जाएगी उसमें। आप कैंसिल करो, आई भी करो। तो बहुत मीठा यार ये भी लगा है। ये लाइट होती है मकान में, कौन लाए स्कूल के नाम? हां आप लोग वहां से लाए थे, स्कूल कहां से लाए थे? मेरा सबसे एंड में तालियां बजा रही है। तुम सब खा सकते। तो भाई आज मुईज ने पहला दांत निकाला था। अरे तो मेरा परफ्यूम है, कितना परफ्यूम जमा होगा मेरे पास। लोगों को परफ्यूम की बहुत जरूरत है।
जब भी मेरे सारे परफ्यूम ना ये लगाते मैं तो लगाती हूँ। कोई गाने भड़काया और ये भड़क गई। तो चांद हो गया खत्म नहीं हुआ है ही नहीं तुम्हें भाभी नखरे नहीं करो। नहीं जो भी है खत्म हो गया तो यहाँ पर हमारी छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन हो गई है। केक कट है, मैंने गिफ्ट दिया है। पापा मुझसे पूछेंगे कि आपको मुइज़ ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो मुइज़ ने मुझे टूर गिफ्ट किया है और हम लोग इंशाल्लाह अब आपको पता चल जाएगा मैं कब जा रही हूँ टूर पे, तो इस वीक या नेक्स्ट वीक भी जा सकते हैं। तो मैं आपको जब हो गए जाने का तो मैं उसका ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुइज़ ने मुझे टूर गिफ्ट किया है, मैंने मुइज़ को परफ्यूम गिफ्ट किया है, मैंने आप लोगों को दिखाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अब आप लोग से ये भी पूछेंगे कि आपके इन लॉस कहाँ हैं, सास ससुर कहाँ पर हैं। तो मेरे सास ससुर गए हुए थे एक शादी अटेंड करने, तो इसलिए वो नहीं ज्वाइन कर पाए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। जब हमने उनको कॉल की 12 बजे तो वो ऑलरेडी रस्म कर रहे थे, तो बहुत लेट होता, तो इस वजह से रुबा भी जाने वाली थी। तो उन्होंने बोला आप तुम लोग काट लो केक, फिर हम कल खा तो लेंगे। ऐसा हो गया कि उनको सिग्नल ही नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बोला चलो वीडियो कॉल कर लेना ना, लेकिन फिर सिग्नल नहीं मिले तो इस तरह वो ज्वाइन नहीं कर पाए। चलो फिर हम शादी के एनिवर्सरी पे कर लेंगे, है ना? एक और है हमारी, दो एनिवर्सरी है तो हम शादी के एनिवर्सरी पे कर लेंगे, इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाया। खैर हम लोग घर वालों लोगों ने कर लिया है। और आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा? क्या गिफ्ट कैसा लगा? मेरा गिफ्ट कैसा लगा? मुझे टूर गिफ्ट किया है, मैं बता दिया सबको। आपको मेरा कैसा लगा? मेरा गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा खासा ही था ना। किसी को भी अगर लेना हो दोबारा तो हमारे पास एक क्या बोलते हैं प्रोमो कार्ड है। देखे हमारे पास 10% ऑफ का वाउचर है। देखे मुइज को बहुत अच्छी लगी है, नो डाउट अच्छी लगी है ना। 10 सीक्रेट्स। और जो मैंने मुइज को गिफ्ट किया है ना उसका नाम है हारमोनी, तो अगर आप लोगों ने लेना हो तो आप हारमोनी लिए। और ये मैंने अपने आप को गिफ्ट किया है एनिवर्सरी गिफ्ट फॉर मी। इसे मैंने पैसे दिए थे इसके लेने के। कितना झूठ बोल रहे हैं ये। मैंने जब और वैसे भी मेरी ऑर्डर को बताया क्योंकि जब मैं लेने जा रही थी तो तब भी मैंने यही कहा था कि मैं अपने आप को गिफ्ट। ये अलग है, इसका नाम रोज वैल्यूड नाम है इसका। और ये पहले इस बॉक्स के अंदर से निकालेंगे और इनका बहुत प्यारा सा बैग भी है, तो ये आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं उसके लिए बड़ा अच्छा है। हैंड बैग है, फिर बॉक्स है, उसके बाद ये वाला बॉक्स इस तरह खुलता है। आपको पहले 10% का ऑफ मिलेगा डिस्काउंट वाउचर अगर आप नेक्स्ट डिस्काउंट कोड इसका लिखा हुआ है आई लव सेंस, ठीक है? तो ये है और ये मैंने लिया है रोज वैल्यूट। और ये इसके साथ ना ये लोग एक टेस्टर परफ्यूम भी देते हैं कि अगर आपने और टेस्ट करनी है तो करें, ये भी बहुत अच्छी है। और अगर किसी को खरीदना हो तो मुझसे खरीद ले, मैं बेच रहा। ज़्यादा नहीं मेरा हो गया जी, नहीं तो ये बहुत अच्छे परफ्यूम्स है, फुल रिकमेंड करूँगी, रिकमेंड भी करें। अपना ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग पे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। और मेरा पिछला व्लॉग देखें, उसमें बहुत कम व्यूज़ आए। मेरा पिछला व्लॉग देखें, जिससे पहले मैंने डाला है, ठीक है? वो वाला लाजमी देखें क्योंकि उसमें पता नहीं क्यों उतने कम व्यूज़ आए। खैर आप जल्दी से जल्दी मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को।
ठीक है, तब नेक्स्ट आपको तब मिलेंगे और आई होप आप लोगों को आगे वाले बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे व्लॉग देखने को, क्योंकि बहुत इंटरटेन होंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे तो वहाँ के व्लॉग बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड गुड बाय एंड गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।